रोहित शेट्टी और अजय देवगन ने मिलकर अक्षय कुमार स्टारर सूर्यवंशी में सिंघम 3 की शुरुआत तो कर ही चुके हैं। माना जा रहा है कि अजय देवगन और रोहित शेट्टी की ये सबसे ज्यादा देशभक्ति वाली फिल्म होगी, इसलिए इस फिल्म को रिलीज करने के लिए स्वतंत्रता दिवस से अच्छा कोई मौका नहीं हो सकता था। इस बार सिंघम पाकिस्तान में बैठे भारत के विलन जैकी श्रॉफ से निपटने की तैयारी करेगा। सिंघम 3 की शूटिंग कश्मीर और दिल्ली में की जाएगी और दिल्ली अगले साल सितंबर अक्टूबर तक टूर पर चली जाएगी। गौरतलब है कि रोहित शेट्टी काफी समय से सिंघम 3 का आइडिया क्रैक करने की कोशिश कर रहे थे और आखिरकार उन्हें ये आइडिया मिल ही चुका है, जो उनकी कॉप यूनिवर्स की कहानी को एक अलग ही स्तर पर लेकर जाएगा। हालांकि सिंघम 3 की शुरुआत से पहले रोहित शेट्टी अपनी फिल्म सर्कस पूरी करेंगे, वही अजय देवगन भी अपनी कई फिल्मों का बचा हुआ काम पूरा करेंगे। रोहित शेट्टी और अजय देवगन स्टारर सिंघम रिटर्न साल 2014 में 15 अगस्त के दिन ही रिलीज हुई थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर थी और इसे 15 अगस्त वीकेंड का पूरा फायदा मिला था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 32 करोड़ की ओपनिंग की थी। पहले वीकेंड में ही फिल्म ने 77 करोड़ की कमाई कर ली थी। फिल्म ने कुल 140 करोड़ का लाइफ टाइम बिजनेस किया था और ये अजय देवगन की करियर की सबसे सफल फिल्मों में से एक है। अब बस रोहित शेट्टी सिंघम 3 के साथ अपनी कॉप यूनिवर्स को किस तरह और किस दिशा में बढ़ाते हैं ये देखने का इंतजार है। रोहित शेट्टी भारत के सबसे सफल डायरेक्टर हैं और मसाला फिल्मों के भगवान। वो जिस फिल्म पर हाथ लगा देते हैं उसकी बॉक्स ऑफिस पर सफलता की गारंटी 100% होती है। तो अब इस बार एक बार फिर से अजय देवगन को अता माजी शतकली बोलने का इंतजार कीजिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।